नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टोर। फ्रेंड, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि मैं जो ये बताने वाला हूँ आज का, ये देखिए बहुत ही बड़ी खबर है। यानी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखक बनी है नीदरलैंड की मारीके। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको तुरंत बताइए कि नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है। ओके गाइस, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखक बनी है नीदरलैंड की मारीके। तो इनके बारे में हम लोग जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार क्या होता है, कितना इसमें इनाम राशि मिलती है, उसके बारे में भी जानने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों देखिए, पुरस्कार की इनाम राशि जो होती है 50,000 पाउंड लेखक और अनुवादक मिशेल हसचिन के बीच बराबर बांटी जाएगी। प्रतियोगिता में इस साल 30 भाषाओं से अनुवाद की गई 124 किताबें दौड़ में थी। तो देखिए, प्रतियोगिता बहुत ही कठिन था, गलाकाट प्रतियोगिता था, क्योंकि 30 भाषाओं में अनुवाद की गई 124 किताबें दौड़ में थी। और ये किताबों के लिए ही दिया जाता है, देखिए बुकर पुरस्कार ये रही। तो नीदरलैंड की 29 साल की मारीके लुकास रीजनेवेल्ड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखक बन गई हैं। यह पुरस्कार मूल बुकर पुरस्कार से अलग है और इसका लक्ष्य दुनिया भर में अच्छे उपन्यास के अधिक प्रकाशन और उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो उपन्यास और क्या, अच्छे उपन्यास के लिए अधिक प्रकाशन और उसे पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। रीजनेवेल्ड की किताब द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग को बुधवार को विजेता घोषित किया गया। यह ग्रामीण नीदरलैंड के एक कट्टर ईसाई समुदाय के एक किसान परिवार की कहानी है। तो इसमें जो एक उपन्यास में कहानी दी गई है, तो एक कट्टर ईसाई समुदाय के किसान के परिवार की कहानी है। नियम के अनुसार पुरस्कार की इनाम राशि 50,000 पाउंड लेखक और अनुवादक मिशेल हसचिन के बीच बराबर बांटी जाएगी। इस साल 30 भाषाओं से अनुवाद की गई 124 किताब दौड़ में थी। तो मैंने आपको ये बता दिया किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो गाइस, ऐसे ही कोई भी लेटेस्ट न्यूज आता है तो मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देता रहूँगा। तो बने रहिए चैनल पे, देखते रहिए एग्जाम स्टोर को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।